नमस्कार मित्रों, इमेजिन कीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देर रात टीवी पर आके घोषणा करें कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से इनकम टैक्स खत्म, टाटा बाय बाय। यह बात सोचने में बहुत अचंभित लगती है कि यार इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन हम बता दें आपको कि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इसके पक्ष में हैं। वो कहते हैं कि भारत से इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। उनका मानना है कि घटती और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए यह करना संभव है अथवा नहीं, तो आइए देखते हैं इसके फायदे और नुकसान। बजट के अपने वायदे को पूरा करते हुए वित्त मंत्रालय ने इस साल कोरोना महामारी के बीच करदाताओं को न केवल राहत दी बल्कि इस आपदा को अवसर के रूप में बदल दिया। इसको समझने के लिए मित्रों हम प्रारंभ से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सरकार के द्वारा हमसे दो प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और तीसरा टैक्स कह सकते हैं शिक्षाकार वो इनडायरेक्ट टैक्स में ही समझ सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स मित्रों कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी और इनकम पर लगाया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ या फिर एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध में कैसे हो रहा है ये इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्यारे मित्रों, जब आप लोग दूध की पैकेट खरीदने जाते हैं बाजार में, तो अगर सरकार उस पर जीएसटी बढ़ा देती है तो जो कंपनी है उस दूध की कीमतों को भी बढ़ा देती है। तो जब आप वो बढ़ी हुई कीमतों को पे करते हैं या बढ़ी हुई कीमतों के पैसे चुकाते हैं दूध कंपनी को, तो दूध कंपनी उस पैसे को इकट्ठा करके सरकार को पे करती है। आप भले ही लगता है कि मैं कभी टैक्स नहीं भरता हूं, लेकिन आप लोग भी टैक्स भरते हैं। अब बात होती है कि आपने अखबार, टीवी और न्यूज़पेपर और सभी जगह देखते होंगे, कहते होंगे कि भाई देश में मात्र 2-3% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह बात सरासर गलत है, क्योंकि मित्रों देश के प्रत्येक जनता जो है वो टैक्स देती है, जिसमें आप शामिल हैं, मैं शामिल हूँ, आपका परिवार शामिल है, हर एक व्यक्ति शामिल होता है, चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो या फिर विदेशी नागरिक, हर एक व्यक्ति को टैक्स भरना होता है। अब बात होती है 2-3% टैक्स भरते हैं, तो हाँ मित्रों वो केवल 2-3% इनकम टैक्स ही भरते हैं। यानी कि हमारे देश में इतनी ज्यादा आबादी गरीब है जो उस सीमा तक नहीं पहुंच पाती है जहां पर लोगों को इनकम टैक्स लगना स्टार्ट होता है। तो आप समझ लीजिए कि इतना ज्यादा गरीब है हमारे भारत में लोग कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो मित्रों फरवरी 2020 के अनुसार मात्र दुनिया, हमारे भारत की बात कर रहा हूँ, दुनिया तो बहुत बड़ी हो जाती है, मात्र हमारे भारत में 1.46 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। आप सोचते होंगे कि इतने कम लोग, यानी कि जो हमारी आबादी का मात्र 1% होगा, आप सोचते होंगे कि आखिर इतने कम लोग कैसे टैक्स पे करते हैं। तो मात्र इतने ही लोग हमारे भारत में इतने बड़े आदमी या फिर इतनी ज्यादा इनकम वाले हैं जिनको इनकम टैक्स लगता है, इसके अलावा सभी गरीब हैं। कंपनी को टैक्स ना देना कंपेयर टू सैलरी वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट छुपा लेती है, प्रॉफिट छुपाने से उसको कम टैक्स लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति को सैलरी मिलती है उसकी सैलरी फिक्स होती है और उसको जो सैलरी अपने हाथ में प्राप्त होती है वो सैलरी टैक्स कटने के बाद ही उसके हाथ में पहुंचती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो देश में किसानों पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यार किसानों को तो कोई इनकम ही नहीं होता है, लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं, देश में 2011 में आईटीआई के द्वारा पता लगाया गया कि भारत में 7 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं और उनको 0 टैक्स देना होता है। सोचने वाली बात है कि नहीं, लेकिन मित्रों आप लोग मानते ही नहीं है कि किसानों की इतनी ज्यादा इनकम है। तो कुछ किसान ऐसे या उद्योगपति भी हम उनको कह सकते हैं जो हर करोड़ों रुपए कमाते हैं और 0 टैक्स देते हैं। लेकिन अब हम चर्चा करने वाले हैं, यह चर्चा करते हैं कि देश में यदि 0 इनकम टैक्स कर दिया जाए तो क्या लाभ होंगे या क्या हानि देखने को मिलेंगी। ये तर्क हमारे नहीं है, ये विशिष्ट अर्थशास्त्रियों द्वारा, ये विशेषज्ञों द्वारा दिए गए तर्क हैं जिनको बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आप भी हमें अपने कमेंट में बता सकते हैं। तो पहला तर्क यह है कि जो पैसा इनकम टैक्स में खर्च किया जाता था वो पैसा अन्य जगह पर खर्च किया जाएगा, जिससे देश की इकोनॉमी और ज्यादा चलेगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी।
दूसरा तर्क यह है कि जो लोग ब्लैक मनी को छुपा कर रखते थे, अब उनको ब्लैक मनी छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी और उसको वो आसानी से खर्च कर सकेंगे और उसको बैंकों में भी जमा कर सकेंगे। बैंकों में डिपॉजिट जमा होने से बैंकों के पास भी इनकम बढ़ेगी और बैंक ज्यादा ऋण देंगे, कम ब्याज पर देंगे, और जिससे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और बाजार में पैसा चलेगा और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हालांकि हमें ये तो मालूम नहीं है कि देश में अर्थात भारत में कितना ब्लैक मनी है। अब तीसरे तर्क की बात कर ले तो तीसरा तर्क वह है कि जिसमें सरकार जो इनकम टैक्स को इकट्ठा करने या फिर लेने के लिए जो पैसा खर्च करती है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बनाती है, उसके लिए वेबसाइट का मैनेजमेंट करती है, पेपर वर्क करती है, टाइम बर्बाद होता है, एम्प्लॉयमेंट जो मतलब एम्प्लॉयज होते हैं उनको लगाती है, इन सब का पैसा बचने लग जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स मैनेजमेंट और बहुत सारे जो जितने भी दस्तावेजीकरण होता है उनमें जो टाइम लगता है और उनमें जो पैसा लगता है वो सब बच जाएगा। इसके अलावा मित्रों हम बता दें आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, उनको आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। अब हम अभी तक तो हमने चर्चा की है कि इनकम टैक्स खत्म होने से क्या क्या प्रॉफिट होगा, अब हम चर्चा करेंगे कि इनकम टैक्स अगर समाप्त हो गया तो क्या नुकसान या फिर क्या हानि हमारे भारत को या फिर सरकार को देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहली हानि होगी मित्रों कि जो हमारे देश को इनकम टैक्स मिलता है वो तकरीबन पूरे देश की आय जो टैक्स कलेक्ट करती है सरकार वो तकरीबन 26.4% है। अगर सरकार का इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है तो सरकार यह तो चाहेगी नहीं कि भैया इतना बड़ा पैसा चला जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से इसको बढ़ा देगी और कहीं ना कहीं से इसके प्रॉफिट लेने का सोचेगी, क्योंकि सोचिए सरकार के पास कितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे होते हैं। अब दूसरी बात, जो व्यक्ति इसके पक्ष में है कि भाई इनकम टैक्स समाप्त कर दो, वो कहते हैं कि अगर इनकम टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था इतनी सही हो जाएगी कि सरकार को पैसा लाने के लिए ज्यादा कोई जल्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, क्यों इकोनॉमी बहुत अच्छे चलने लगेगी और देश की जनता भी बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, पैसा कमाना लग जाएगी। दूसरा तर्क यह हो जाएगा कि सरकार जितने भी उत्पाद प्रोडक्ट हैं उन पर जीएसटी बढ़ा दे। जीएसटी बढ़ने से मित्रों जब सरकार या फिर कोई जीएसटी बढ़ेगा तो सरकार के पास इनकम भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर कोई भी चीज, जैसे मैंने ये माइक खरीदा 900 रुपए का माइक है, तो 900 रुपए में जब जीएसटी लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जीएसटी। अब यह देखना लाभकारी होगा कि जिन देशों के पास इनकम टैक्स नहीं लगता या जो देश इनकम टैक्स नहीं लगाते हैं वो अपना पैसा कैसे कमाते हैं। अभी तक दुनिया भर में विश्व में तकरीबन 23 देश ऐसे हैं जहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो उनमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा देश होता है UAE, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात दुबई। ये अपना बिना इनकम टैक्स के और बिना कारपोरेट टैक्स के अपना देश कैसे चलाते हैं, तो सबसे पहला एक मुख्य उपाय इनके पास है, इनके पास तेल है। यहाँ पे जो तेल कंपनियां होती हैं उनके ऊपर 55% तक कारपोरेट टैक्स लगता है। उसके अलावा यहाँ पे जो विदेशी बैंक काम करते हैं उन पर भी भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है, तकरीबन 20% टैक्स इन पर लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मनोरंजन कर और आयात कर भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आप लोग कभी कोई एंटरटेनमेंट करने पार्क म्यूजियम वगैरह जा रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, या फिर आप किसी भी देश से कोई भी चीज मंगा रहे हैं तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता है। सोचने वाली बात है कि इस देश के पास तो तेल है, 55% ये सीधा यहाँ तेल से कलेक्ट कर लेता है, लेकिन भारत के पास तो तेल है नहीं, तो अब बताओ भारत ऐसे कैसे कर सकता है। अब इसके अलावा UAE भी एक बार 2013 में उसने 5% वेट लगाने का सोचा, क्योंकि उसका जो पूर्ति है वो तेल अकेले से नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसने 2013 में वेट जो कर होता है 5% उसने लगाया। अब सोचने वाली बात है कि नहीं, आपको सोचिए मित्रों कि अगर भारत के पास तेल होता तो भारत क्या कर रहा होता, लेकिन दुनिया में ऐसे 6-7 देश और हैं जिनके पास तेल से ही इनकम होती है। अभी तक तो हमने चर्चा की कि वे देश जिनके पास तेल है, लेकिन वे देश जिनके पास तेल नहीं है वो अपना पैसा कैसे कमाते हैं। तो यूरोप में एक छोटा सा देश मोनाको देश नाम का एक देश है, वह देश जिस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है उस देश के अंदर, और वहां पे तो भैया वो अपना पैसा कैसे कमाते हैं, तो वहां पर एक हेवेंस टैक्स लगता है जहां पर दुनिया भर के अमीर लोग, मुकेश अंबानी बहुत सारे लोग अमीर हैं, वो लोग वहां पर जाकर रुकना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा टैक्स वहीं पर लगता है, 19% टैक्स लगता है। इसके अलावा वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स 1% लगता है। तो सोचने वाली बात है कि मित्रों वहां पे इतनी महंगी प्रॉपर्टी है कि भारत का गरीब व्यक्ति ले ही नहीं सकता है, भारत के गरीब व्यक्ति भारत में ही प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हैं तो विदेश में कहां से लेंगे। तो अगर ये स्थिति भारत में हो जाती है कि भैया वैट टैक्स बढ़ा देंगे और हेवेंस टैक्स लगने लग जाएगा, तो भारत की गरीब जनता को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
अब उसके बाद दूसरा के बाद तीसरा देश आता है बरमूडा। बरमूडा एक ऐसा देश है, बहुत छोटा सा देश है जिसमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन वो एक छोटा सा देश है तो वो पूरा समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, तो जिस कारण से वहां पे हर एक चीज आपको आयात करनी होती है, तो सरकार के द्वारा वहां पर आयात कर और व्हीकल टैक्स 175% तक लगाया जाता है। वहां पर आप कोई भी विदेश शराब जो मंगाते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा वहां पे एक पेरोल टैक्स होता है। पेरोल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो सैलरी पर लगाया जाता है, वो तकरीबन 175% आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात हुई, आप समझ गए होंगे कि जिन देशों के पास इनकम टैक्स नहीं है वो कैसे अपना पैसा कमाते हैं। अगर भारत सरकार जीरो इनकम टैक्स या 0% इनकम टैक्स कर देती है तो सरकार को एक नया रेवेन्यू सोर्स बनाना होगा, यानी कि एक नई कोई खोज करनी होगी कि भैया हम पैसा कहाँ से कमाएं, सोचे कि नहीं। अब अगर ऐसा सरकार कर देती है, सोचने वाली बात है, खैर तो करने वाली है नहीं सरकार, आपको खुद मालूम है। अब सरकार जीरो टैक्स करने से पहले लाभ हानि के बारे में सोचेगी कि भैया हमें कितना लाभ होगा कितना हानि होगी। देखिए, ना हमारे कहने पर सरकार जीरो टैक्स करने वाली है, ना ही आपके कहने पर सरकार जीरो टैक्स करने वाली है, वो तो सरकार के ऊपर है, सरकार को कब करना कब नहीं करना है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे कि अगर भारत में 0% इनकम टैक्स कर दिया जाएगा तो किस प्रकार लाभ होंगे किस प्रकार हानि होंगे। तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आप लोगों को लगता है कि भारत में 0% इनकम टैक्स होना चाहिए। तो मेरे अनुसार तो नहीं, क्यों नहीं तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कमेंट में आप देख लीजिएगा। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।